दो चार लाइनें लिखी थी कि सूरज की अंगड़ाई की देर है, सूरज की अंगड़ाई की देर है, रुकती हमेशा रात नहीं, शब्दों के हेर फेर ने बैठा दिया मुझे जहां खड़े होने की औकात नहीं। और नुक्स तो सौ निकल आते हैं शुद्ध सोने में भी जनाब, क्योंकि सोना अगर खरा होता ना तो उसमें भी एक चीज होती है कि ना वो जल्दी टूट जाता है, उसमें इसलिए मिलावट की जाती है कि नुक्स तो सौ निकल आते हैं सोने में भी जनाब, इश्क इबादत है रब की, इश्क इबादत है रब की, इश्क इतनी भी बुरी बात नहीं। हाँ, तो इसमें एक शब्द यूज किया है मैंने, लुगाई। तो वो वैसे देखे तो हरियाणवी कल्चर से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसमें गलत लगेगा कि वहां पे ये शब्द यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक है क्योंकि हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है तो वो गलत नहीं है। कि भीतरले में दर्द फिर भी आंखें में समाई होया करे, बड़ी ते बड़ी चीज की छोटी एक इकाई होया करे, दो परिवार स्वर्ग बना के भी जो पराई होया करे, माँ बाण बेटी बहु साली चाहे तू जो कह ले, पर मानव जीवन की शुरुआत तो दोस्त एक लुगाई होया करे। लिखा था कि कितना दर्द उसने आंसुओं में बहाया होगा, कितना दर्द उसने आंसुओं में बहाया होगा, जो मंजिल को छूने से ठीक पहले लौट आया होगा। और वो इकलौता सितारा मेरे बेहद सबसे, मतलब कि मैं खुद को चांद लिखता हूँ, ऐसा सभी जानते हैं कि मैं खुद को चांद लिखता हूँ। तो दोबारा से सुनना कि कितना दर्द उसने आंसुओं में बहाया होगा, वो जो मंजिल को छूने से ठीक पहले लौट आया होगा, वो इकलौता सितारा मेरे सबसे करीब था, उसने अमावस की रात को जैसे तैसे बिताया होगा। और माँ का सा निहारती है उसे कोने में पड़ी एक लकड़ी, माँ का सा निहारती है उसे कोने में पड़ी एक लकड़ी, जिसे पकड़कर एक अनाथ को चलना आया होगा। और एक ये काफ़ी मेरे दोस्त हैं, जब हम रोहतक में हम सर एक इवेंट कर रहे थे तो उस इवेंट में ऐसा हुआ था, काफ़ी लोग थे जो बहुत अच्छा लिख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि भी स्टेज पे आपको कितना, मतलब ठीक है आप कुछ भी बोल रहे हो तो उसको नापना तोलना ज़रूरी होता है पहले बोलने से, लेकिन वो बिना नापे तोले ही वो कुछ ना कुछ सुना रहे थे। तो उनके लिए लिखा कि कोई गच कोई माल बता दी, कोई गजब का कह दिया सौदा तरह, कि कोई गच कोई माल बता दी, कोई गजब का कह दिया सौदा तने, रहमाता कह के कन्या पूजने आला हरियाणा बना दिया बोधा तने, रहमाता कह के हरियाणा पूजने आला। कि हर किरदार की एक ऐसी कहानी हो जाती है कि बहुत जरूरी फिर वो सबसे छुपानी हो जाती है, और बदल जाता है उस बाप के बात करने तक का ढंग, जिस बाप के घर में बिटिया सयानी हो जाती है। शुरू किया है जिसे जरूरी है उसे अंजाम देना भी, दोस्त अधूरा छोड़ने वालों की निशानी हो जाती है। और रूह से रूह तक मोहित बताता है इश्क सबको, रूह से रूह तक मोहित बताता है इश्क सबको, सांझ तलक तेरी भी मोहब्बत जिस्मानी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। तो एक और सुना देते लास्ट एक, कि ये थोड़ा मोटिवेशन लिखने की स्टार्ट कोशिश करी थी, थोड़ा संभाल लेना। कि कटे पाँ तो आथा के बल भी चाल लेगा तू, कटे पाँ तो आथा के बल भी चाल लेगा तू, पड़ जाएगा फिर भी खुद ने संभाल लेगा तू, माँ काल जाकर ला लेगी और बाबू चूम लेगा माथे ने, कुछ ऐसा करना है जय यो सपना पाल लेगा तू। शुक्रिया।